नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड रिपेयरिंग में। दोस्तों ये गीगाबाइट्स का मदरबोर्ड है, इसमें साउंड का प्रॉब्लम है, साउंड नहीं आ रहा है। तो कस्टमर मेरे पास फॉर्मेट के लिए आया था कि फॉर्मेट करने से शायद ठीक हो जाए, पर फॉर्मेट भी मैं सिस्टम को करके देख चुका हूँ, फिर भी साउंड नहीं आ रहा है। और ड्राइवर सीडी जो होता है वो भी मैं दो तीन ड्राइवर इसमें इंस्टॉल करके देख चुका हूँ, यहाँ तक कि इसका जो ओरिजिनल जो गीगाबाइट्स का ड्राइवर था वो भी इसमें इंस्टॉल करके मैं देख चुका हूँ, फिर भी साउंड नहीं आ रहा है। तो आज के वीडियो में इसको मैं बताने वाला हूँ कि इसको कैसे ठीक करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको फ्रेश से साफ़ करना, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट है आप देख सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये डस्ट के वजह से साउंड का प्रॉब्लम होगा, पर डस्ट को जो है सबसे पहले साफ़ कर लेना है। तो इधर साफ़ करने के बाद में यहाँ पे एक आईसी देख रहे हैं, ये ऑडियो आईसी है, मतलब कि ये आईसी अगर ख़राब हो जाएगा तो साउंड नहीं आएगा। तो ऐसे में ये आईसी को जो है पहले तो रिसोल्ड करना पड़ता है, अगर रिसोल्ड करने से नहीं ठीक हुआ तो ये आईसी बदलना पड़ता है। तो मेरे पास तो अभी ये आईसी नहीं है, ये आईसी को जो है दूसरा मदरबोर्ड से जो है खोल के इसमें लगाना पड़ता है। तो मेरे पास अभी दूसरा मदरबोर्ड नहीं है, तो मैं ये आईसी को ही रिसोल्ड करके मैं देखने वाला हूँ। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सॉकेट है, ये सॉकेट भी जो है ख़राब होने के वजह से जो है साउंड का जो है प्रॉब्लम आएगा। तो ये सॉकेट हमारा ख़राब ऐसे नहीं है, पर क्या करना है कि ये सॉकेट का जो ये प्रिंट देख रहे हैं, ये प्रिंट पर जो है रिसोल्ड एक बार कर देना है, मतलब कि ये अगर ड्राई शोल्डर हो जाएगा तो भी हमारा साउंड का प्रॉब्लम आएगा। तो इस तरह से रिसोल्ड करने के बाद में इसको अच्छा तरह से साफ़ कर देना है, इसका पेस्ट को। और ये आईसी को भी जो है थिनर से वॉश कर लेना है अच्छी तरह से। तो साथ में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये जल चुका है। अभी मैंने इसका पिन जब चेक कर रहा था ये पावर ग्लास से, तो पता चला, देख सकते हैं ये पावर ग्लास से जब मैं इसका आईसी का पिन चेक कर रहा था तो यहाँ पे पता चला कि एक रेजिस्टेंस जो है वो जल चुका है। तो ये रेजिस्टेंस का नंबर मुझे मालूम नहीं है, तो इसके जगह पे मैं 100 ओम का रेजिस्टेंस जो है लगा के देखने वाला हूँ। तो यहाँ पे 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा के देखते हैं कि साउंड आ रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पे 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाने के बाद में इसका कनेक्शन करके जो है इसको फिटिंग करके मैं चेक करने वाला हूँ कि साउंड आ रहा है कि नहीं।
तो दोस्तों ये मदरबोर्ड को मैंने इसमें बॉडी में सेट कर चुका हूँ। तो दोस्तों मदरबोर्ड को सेट करने के बाद में सिस्टम को मैं ऑन किया हूँ। इसके बाद ऑन होने के बाद देखते हैं कि साउंड आता है कि नहीं। तो देख सकते हैं सिस्टम हमारा ऑन हो रहा है और यहाँ पे बॉक्स लगा हुआ है साइड में। तो मैं कैमरा को बॉक्स के नज़दीक में थोड़ा सा ले जाता हूँ और देखते हैं कि साउंड आता है कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम जो ऑन हो गया और साउंड भी आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कुछ सुझाव देना तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।